बिहार में 1 अगस्त से मॉनसून मेहरबान है। उमस भरी गर्मी से राहत मिली है, खेतों में हरियाली लौट आई है। राजधानी समेत प्रदेश में मॉनसून का प्रभाव आज भी बना रहेगा। कहां होगी झमाझम बारिश, कहां गरजेंगे बादल, कहां गिरेगी बिजली, कैसा होगा आपके शहर का हाल, बारिश की होगी बहार या हल्की फुल्की बारिश से करना होगा गुजारा, किन जिलों में आज मौसम विभाग का होगा येलो अलर्ट, बताएंगे हर जिले का हाल। पर पहले जान लेते हैं आज का तापमान। आज का अधिकतम तापमान जहां 32 से 34 डिग्री के आसपास होगा, वहीं न्यूनतम तापमान 22 से 24 डिग्री के आसपास होगा। गर्मी की तपिश झेल रहे बिहार वासियों को गर्मी से आज भी राहत रहेगी। मौसम खुशनुमा होगा, अगर कुछ जिलों में बारिश नहीं भी हुई तो बादल छाए रहेंगे और ठंडी हवाएं चलती रहेंगी। बता दें राज्य के दक्षिण मध्य यानी राजधानी पटना समेत गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय और जहानाबाद में आज भी गीला रहेगा। वहीं दक्षिण पूर्व की बात करें जिनमें आने वाले जिले भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर और खगड़िया हैं, इनमें भी आज बारिश के साथ बादल गरजने और बिजली गिरने की संभावना है। वहीं दक्षिण पश्चिम में आने वाले जिले बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, अरवल में भी आज मौसम सुहाना होगा। इन जिलों के ज्यादातर इलाकों में बारिश के साथ बादल गरजने और आकाशीय बिजली गिरने का अनुमान है। मौसम विभाग ने बिहार के उत्तर पूर्व भागों में आने वाले जिले को लेकर भी अलर्ट जारी किया है। इनमें सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार शामिल है। इन जिलों के अधिकांश स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। पिछले 7 दिनों में बिहार में मॉनसून की स्थिति सामान्य रही है। पिछले 1 सप्ताह के दौरान बिहार के कई जिलों में मूसलाधार बारिश हुई है। बारिश की कमी घटकर 26% तक आ गई है, लेकिन अभी भी किशनगंज और अरवल को छोड़कर बिहार के सभी 30 जिलों में सामान्य से कम बारिश हुई है। फिलहाल मॉनसून की सक्रियता जारी है, लेकिन पहले के मुकाबले थोड़ी कमजोर हुई। अब जान लीजिए कौन है वो जिले जिनको लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। तो इनमें आने वाले जिलों के नाम है अररिया, किशनगंज, जहानाबाद, अरवल, लखीसराय और शेखपुरा। मौसम विभाग के अनुसार इन जिलों के 1 या 2 स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। बताते चले बिहार की सबसे ज्यादा बारिश अभी तक किशनगंज में हुई है, साथ ही किशनगंज में लगातार सबसे कम तापमान भी दर्ज किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार मानसून के एक्टिव होने के बावजूद भी दरभंगा और समस्तीपुर में सामान्य से 50% तक कम बारिश हुई है। 7 अगस्त तक प्राप्त आंकड़ों के अनुसार बिहार में 417.5 mm बारिश हुई है, जबकि 560.4 mm होनी चाहिए थी। इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक सामान्य से 26% कम बारिश हुई है। दीघा घाट पर गंगा के खतरे का निशान 50.45 mm है, जबकि मौजूदा जलस्तर 39.54 mm है। धीरे धीरे जलस्तर घटता जा रहा है। पटना में गंगा का जलस्तर कहीं भी खतरे के निशान से पार नहीं है। ये सारी जानकारी मौसम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट से ली गई है। अंतिम समय पे इसमें कुछ बदलाव हो सकता है। कल फिर मिलेंगे 8 बजे मौसम के नए हाल के साथ। तब तक के लिए देखते रहें सिर्फ बिहार तक।